afternoon, guys. Welcome to my YouTube channel. Yes, sir. आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा एफएनबी सर्विस प्रैक्टिकल का, दैट वुड बी लाइक हाउ यू शुड कैरी अ साल्वर. बेसिकली यू आर इनटू अ प्रोफेशन जहां पे यू नीड टू सर्व ड्रिंक्स एंड बेसिकली बेवरेजेस, एवरीथिंग बेवरेजेस और सम फूड आइटम्स व्हिच हैज टू बी सर्व थ्रू साल्वर. ठीक है, तो एक रेस्टोरेंट में हाउ यू शुड हैंडल द साल्वर, दैट यू शुड नो. सो देयर आर फ्यू रूल्स या बेसिक से कह सकते हैं, बेसिक आपके मेथड्स हैं जिसकी तरह से आप साल्वर्स को कैरी करेंगे और एफिशिएंटली कैरी करेंगे, प्रोफेशनली कैरी करेंगे. इट इज नॉट कि कैसे उठा ले और यू आर वर्क योर रोमिंग हियर एंड देयर इन द रेस्टोरेंट. इट डजंट लुक नाइस आल्सो कि एक प्रोफेशनल स्टीवर्ड, एक प्रोफेशनल होटेलियर और एक नॉर्मल बंदे में यही फर्क है कि उसका जो द वे ही कैरी हिमसेल्फ इन द प्रीमाइसेस, चाहे वो कहीं पे भी हो, उससे पता लगता है कि हाउ प्रोफेशनल, हाउ एक्सपीरियंस इट इज ही इज. सिंपल सी बात है. तो अभी मेरे हाथ में जो है इट इज अ ब्लैक कलर साल्वर. ठीक है, इट इज थोड़ा सा रबर कोटेड है, पहली चीज. सो हर एक रेस्टोरेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रेस्टोरेंट, यू नो, उसके हिसाब से यू हैव डिफरेंट डिफरेंट साल्वर्स. दिस इज द बेसिक साल्वर्स दैट वी हैव इन एवरी रेस्टोरेंट जो कि एक प्रोफेशनल और एक नॉर्मल स्टीवर्ड कैरी करता है. ठीक है, इसमें फायदा क्या होता है कि इसमें आपका व्हाटएवर स्टफ दैट यू कीप इन दिस थिंग विल नॉट स्लिप, इसके ऊपर वो स्लिप नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर यू हैव फ्रिक्शन अप्लाइड, तो इससे कोटिंग इसका जो है नहीं होता. बट देर आर फ्यू साल्वर्स जो कि सिल्वर साल्वर्स होती हैं, बेसिकली दे आर हैवी आल्सो, पहली चीज वो हैवी भी होती है, दूसरी चीज क्या होता है कि वो स्लिपरी होती है. तो वो सिर्फ वो आप कह सकते हैं वो एक्सपर्ट लोग उसको यूज कर सकते हैं, या उसको यूज करने के लिए यू नीड टू हैव अ मैट, ट्रे मैट टॉप, उसके ऊपर टॉप पे ट्रे मैट होना चाहिए. तो दिस इज द बेसिक साल्वर जिसके बारे में बात कर रहा हूं मैं. अब इसको पकड़ने का, इसको कैरी करने का तरीका है, दिस इज बैक साइड ऑफ द ट्रे एंड दिस इज द बेसिकली द फ्रंट जहां पे यू विल कीप दिस थिंग्स. अब ये जो बैक एरिया है आपका, यहां पे आपका दिस पाम विल कम इनटू एक्शन. नॉर्मली आप साल्वर अपने लेफ्ट हैंड साइड से कैरी करते हैं, लेफ्ट हैंड से कैरी करेंगे साल्वर, बट ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है जो लोग लेफ्टी हैं. सिंस आई एम अ लेफ्टी, तो मैं आई फील कंफर्टेबल कैरिंग माय साल्वर ऑन द राइट हैंड साइड, इस हाथ से मैं कैरी करना कंफर्टेबल समझता हूं क्योंकि मैं लेफ्टी हूं. तो मोस्ट ऑफ आई थिंक एक्सेप्शंस लोग ही होते हैं लेफ्टी. आप में से कितने लोग लेफ्टी हैं? बहुत कम होंगे, 4-5 होंगे. तो उनके लिए एक्सेप्शन है कि यू कैन कैरी इजीली, और ये भी डिपेंड करता है कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही चीज करें. तो आई एम कंफर्टेबल विद माय राइट हैंड, बट रूल कहता है कि आपकी जो साल्वर है इट हैज टू बी ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड. पहला रूल खत्म. अब दूसरी चीज है कि व्हेन यू आर होल्डिंग द साल्वर, तो आपका जो ये हाथ का जो पाम है, इट्स कॉल्ड पाम, ये पूरा पूरा फिंगर्स ओपन होके आपके इसके सेंटर में होनी चाहिए. द परफेक्ट वे टू कैरी अ साल्वर इज यू शुड कीप योर पाम राइट एट द सेंटर ऑफ दिस साल्वर एंड अपना कैरी. दूसरी चीज, आपका जो शोल्डर है और आपकी जो एल्बो है, आपकी वो बॉडी के साथ इस तरह रहनी चाहिए. इट शुड नॉट बी टू फार, इट शुड नॉट बी टू स्ट्रिक्ट, अपने क्लोज नहीं होनी चाहिए, इट हैज टू बी नॉर्मल. आपका जो एंगल है इट हैज टू बी मेंटेन प्रॉपरली, दूसरी चीज. तीसरी चीज, आप जब भी आप साल्वर कैरी करेंगे, चलेंगे, आप पूरी बॉडी की मूवमेंट करेंगे, ना कि हाथ की मूवमेंट. जब भी आप चलते हैं तो आपको पूरा बॉडी इजिली कैरी करनी पड़ती है. अगर आप बार बार सिर्फ हाथ आगे पीछे करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप अभी नए हैं तो आप उसको प्रॉपरली कैरी नहीं कर पाएंगे एंड द स्टफ विल फॉल डाउन. ठीक है जी, क्लियर. अब सबसे बड़ी चीज आती है कि व्हेन यू आर होल्डिंग अ साल्वर इन योर हैंड, आपकी पोजीशनिंग क्या है, आपकी चेस्ट तक यू साल्वर का जो है अप्रोक्सीमेटली पोजीशन होनी चाहिए. ये नहीं कि इतनी नीचे है, शुड नॉट बी लाइक बेंडिंग डाउन व्हाइल यू नो कैरिंग द साल्वर, या जो लोड है वो इतना हैवी भी नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, उसको उठा ही नहीं पा रहे आप. ठीक है, तो जितना आप उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं. ठीक है, और दूसरी चीज, आपकी पोजीशनिंग क्या है बॉडी की, इट हैज टू बी स्ट्रेट, शोल्डर आपके ठीक होने चाहिए, आपका आर्म एंड जो आपका जो दूसरा अनयूज्ड हैंड है इट हैज टू बी एट योर बैक. दिस इज द बेस्ट वे टू कैरी द साल्वर. ये रहा, आप देखेंगे पीछे, सिंपल. बट कई जगह आपने देखा भी होगा कि देर आर फ्यू पीपल हु लव्स टू कैरी साल्वर लाइक दिस, अपनी उंगलियों पे दे पुट दीज फिंगर्स
at the center, and they'll keep the salver like this. कई professionals करते हैं ऐसे, but ये चीज हम उन चीजों के उस चीज के लिए कर सकते हैं applicable जहाँ पे you are carrying a very light item, हल्की सी चीज उठा रहे हैं, simple, ज़्यादा heavy भी नहीं है and it is simple. तो एक थोड़ा सा ये एक enhance है services का, ये थोड़ा सा ये होता है कि इसमें कि आप थोड़ा अपने आप को ज़्यादा show off कर रहे हैं and it is best कि हाँ ठीक है, आपने उंगलियों के बाहर उठा रखी है अपनी चीज, ठीक है, clear? साल्वर आपको पकड़ने का तरीका आ गया, एवरीथिंग यू विल कीप द साल्वर नीट एंड क्लीन, वो तो सिंपल सी चीज है, व्हाइल यू आर यूजिंग द साल्वर आपके साल्वर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, विदाउट स्टेन होनी चाहिए, कहीं से ब्रेक ऑफ नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्या होता है कहीं सामान उठाते हो कहीं हल्का सा वो इनबैलेंस होता है अंदर और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. इफ यू वॉन्ट टू यूज अ मैट तो मैट भी आप यूज कर सकते हैं प्रॉपरली, सो दैट इट विल लुक नाइस ऑल्सो. अब नाउ वी विल बी keeping the things on the salver, how to position your equipment CCG in the salver and where, simple सी चीज़ है, कहाँ रखेंगे salver के अंदर. तो पहला rule हमारा salver का ये है कि जो भी चीज़ आप रखेंगे salver के अंदर, heavy items should be at the center, center पे होती. क्यों? Reason क्या? आपका palm भी center पे है and it is easy to balance. तो हेवी आइटम्स आपकी सेंटर पे रहेंगी पहली चीज, और उसके बाद व्हाटएवर एक्स्ट्रा आइटम्स दैट यू विल प्लेस वो आपको इक्वली बैलेंस करना पड़ेगी अपने अकॉर्डिंगली. अब यहां पे अगर आई हैव टू थ्री थिंग्स टू कीप विद मी तो मैं इसको उठाने के लिए व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इजीली कीप माय थिंग्स इन प्रॉपर फॉर्मेट. ठीक है, अब ये मेरे पास नजदीक आ गया, इधर इधर एंड अकॉर्डिंगली इसको इधर इधर. अब इसमें क्या है, जैसे जैसे आपका साल्वर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपका जो हैवी हैवी आइटम्स होगी वो अपनी अपने क्लोज रखेंगे. अगर मैं ये हैवी आइटम आपकी इधर रख दूं तो क्या होगा, मेरा बैलेंस इस तरफ को आ जाएगा. क्लियर? ठीक है, तो दिस इज वन थिंग जो मैं आपको बता रहा हूं कि साल्वर के ऊपर हाउ यू शुड कीप दिस थिंग्स डन. दूसरी चीज, जब हम कटलरी प्लेस करते हैं, दिस वाज क्रॉकरी, जब हम कटलरी प्लेस करते हैं तो कटलरी में आपका क्या चीज है कि आपकी जो स्पून्स है मैचिंग मैचिंग होना चाहिए स्पून के साथ स्पून्स. अब यहां पे आई नीड अ मैट क्योंकि नाउ आई एम प्लेसिंग द कटलरी. कटलरी में क्या होगा, आपका बैक्टीरिया डर्ट हो सकता है, इसके अंदर स्टेन हो तो वो लग जाए. तो आई वुड बी यूजिंग नाउ मैट, मैट के ऊपर आई विल प्लेस द कटलरी हियर, देन माय नाइफ्स विल गो एट द सेंटर. नाइफ्स को पकड़ने के लिए आपका बेस्ट है उसके सेंटर से पकड़ेंगे, आगे से भी टच करेंगे उसके, ठीक है, और इसको आप सेंटर में रखेंगे सेम लाइक फोक्स, और आप इसको पोजिशन कर देंगे इस तरह और आप easily इसको carry कर सकते हैं. जब भी आप whenever you will enter into restaurant with the crockery, cutlery and glassware, especially crockery में आता है आपके holowares, soup bowls, condiment bowls, small small bowls, वो आप हमेशा salver में carry करेंगे. Cutlery will always be you know brought in salver to the restaurant. Then maybe when I have to set up the setup, तो setup भी मैं salver के साथ ही करूँगा. ठीक है, ग्लासेस अगेन विल बी ब्रॉट टू द रेस्टोरेंट थ्रू साल्वर. तो अभी कटलरी द बेस्ट वे इज टू सेग्रीगेट स्पून्स वन साइड, नाइफ्स वन साइड एंड फोर्क वन साइड, और द बेस्ट वे टू प्लेस दिस पर्टिकुलर स्पून्स और नाइफ्स एट द सेंटर इज इट डजंट फॉल ऑफ, आगे पीछे ना चल जाए. आपके नाइफ्स क्या है, दे आर लिटिल हैवी और थोड़ा सा ये easily आगे, तो इसको in order to bind them, अगर मेरे पास if I have more cutlery तो मैं इसको फैला के properly इस तरह से रख के I can easily bring my cutlery to the restaurant accordingly, और मैं इसको easily carry कर सकता हूँ कहीं पे भी. जब तक I don't feel pain in my this wrist तब तक I can do whatever I want, कि मैं इसको single से उठाऊँ या इसको मैं पूरा इससे उठाऊँ, it doesn't matter.
बट हाँ जरूर जब भी आप चलेंगे तो उसके लिए यू नीड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस दैट यू आर कैरिंग अ साल्वर एंड व्हाटएवर इज द साल्वर इट शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड सिंपल सी चीज जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं आएगा फिर जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे विद फ्यू अदर स्टेप्स स्टेप्स तो वो आपका नहीं आएगा दिस वाज कटलरी क्रॉकरी क्लियर कटलरी क्लियर नाउ आई हैव टू प्लेस द ग्लासवेयर अब ग्लासवेयर में क्या है अगेन आई हैव टू होल्ड माय साल्वर जब भी आप कुछ सामान उठाएंगे कहीं भी टेबल पे पड़ा है कहीं भी आपका एक स्टेप फॉरवर्ड आ जाएगा एक पैर आपका बाहर आ जाएगा एंड आपके साल्वर अकॉर्डिंगली आगे पीछे हो जाएगी इट शुड नॉट बी कि आपके फ्रंट में यू आर पिकिंग द साल्वर ग्लासेस लाइक दिस नहीं आपकी साल्वर साइड में आप इस तरफ से आएंगे आपकी साल्वर पीछे जाएगी आपने उठाया जब भी आप सामान रखेंगे इसके ऊपर यू हैव टू मेक श्योर कि आप इसको इजिली कैरी कर सकते हैं नाउ आई कैन होल्ड इजिली इसको सेंटर में रखना चाहता है सेंटर में बट इट इज इजी फॉर मी नाउ मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता मैं कहीं भी रखूं बट हाँ फॉर यू द बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी कि ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन द बैलेंस ये नहीं कि आपने एक यहाँ रख दिया एक इधर रख दिया एक इधर रख दिया तो ये देखने में अच्छा लगता एंड इट डजंट सूट ऑल्सो कि कई बार हो सकता है इसमें से ब्रेकेज हो जाए तो आप इसको प्रॉपरली बैलेंस करके रखेंगे सो दैट इट कैन नॉट गो बियॉन्ड अब जब फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग टू जूसेस विद मी ऑर्डर है और दो चाय का ऑर्डर है विद सम दिस थिंग अब यहां पे क्या है नाउ आई हैव टू जूसेस दो चाय है सेटअप है ठीक है Apart from this, I need a straw holder juices के लिए straws चाहिए होगी but वो straws हम यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि हमारी straws they are always at the side station of a restaurant. Side station पता क्या होता है? आपका tables के साथ में एक there's attached a sideboard जहाँ पे condiments like tomato ketchup, mustard, tabascos and menus, water आपका रखा होता है वहाँ पे easily अपने dispatch करने के लिए. तो अब अगर मेरे को I have now this is a little heavy now. अब यहाँ पे चाय भरी होगी जूसेस भरे होंगे तो अब ना यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है टू कैरी अब मैं इसको किस तरह उठाऊंगा उसके लिए भी यू हैव अ स्टेप सबसे पहले आप अपना अगेन एक पैर बाहर निकालिए हल्का सा बेंड होइए इसको अपनी तरफ खींचिए पुल करिए पुल करने का तरीका क्या आप यहां से पकड़ेंगे और इसको हल्का सा बेंड होके अगेन यू विल ट्राई टू कीप दिस थिंग ऑन योर पाम ये नहीं कि आप सीधे गए कि आपने ऐसे उठा लिया चलो उठाते हैं तो उठा के भी आप बैलेंस नहीं कर पाओ आपके हाथ रख ही नहीं पाओगे नीचे दिक्कत हो जाएगी तो इट इज बेटर कि आप अगर मैं इसको ऐसे उठाता हूं तब भी आई डोंट हैव अ स्पेस हियर तो फर्स्ट आई हैव टू मेंटेन अ रूम अपने लिए मेरे को रूम बनाना पड़ेगा एंड देन अकॉर्डिंगली अगर बेंड हो गए एंड अगेन उठा व्हाइल वॉकिंग आई विल सी जब हम वॉक करते हैं व्हाइल कैरिंग द साल्वर हमारा ध्यान आगे होता है ये नहीं कि अरे गिर जाएगा अरे आप गिरा वरना आगे टकराना होना ही होना है आप जितना मर्जी सेफ चल लो दूसरा वाला बंदा अगर हरी में हुआ तो वह एक्सीडेंट हो ही जाएगा तो इट इज ये आपकी विजन आगे को रहती है वाइल होल्डिंग द साल्वर दूसरी चीज जब भी आप ऑर्डर लेके आएंगे जब भी आप ऑर्डर लेके जाएंगे रेस्टोरेंट में तो यू विल ऑलवेज टेक अ शॉर्ट डिस्टेंस ये नहीं कि मैं घूम घूम के जा रहा हूं यहां से और यहां टेबल यहां है आई विल टेक द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉसिबल जिससे कि मेरा टाइम बचे और एक्सीडेंट भी ना हो आई विल ट्राई टू अवॉइड नैरो स्पेसेस कि हाँ साल्वर पकड़ रखे और मैं बिल्कुल चिपक चिपक के जा रहा हूं नहीं एक्सीडेंट हो सकता है ठीक है फोकस आगे हाथ आपका स्ट्रेट सिंपल सी चीज है Balance properly. अब मान लीजिए now I have to serve it to the guest. Serve करना है. तो अब यहाँ पे I have to place it properly. अब मान लीजिए all the beverages are served from the right hand side of the guest पड़ा था. सारी के सारी beverages guest को आप right hand side से ही serve करेंगे of the guest. ठीक है. Let's suppose मैंने serve कर दिया. अब यहाँ पे क्या है? While keeping the glasses या अपना order on the table for the guest, you will never
bring salver in front of you and the guest. इससे नहीं नहीं हो पाएगा, आपका डिस्टेंस बहुत दूर हो जाएगा, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली ये पीछे चला जाएगा, आप यू विल हैव टू एडजस्ट योर सेल्फ एंड सर योर जूस, मैम आपका भी जूस, यू हैव वांटेड जूसेस. नाउ अब आई हैव लेफ्ट विद मी इज टी का सेटअप. अब टी में क्या है कि फर्स्ट आपको व्हेनेवर विल हैव अदर सेशन उसमें बताएंगे कि हाउ टू सर्व टी कॉफी. अब उसमें सबसे पहले यू नीड टू प्लेस अ शुगर कैंडी, देन कुकीज अकॉर्डिंगली, कुकीज भी होंगी आपके पास साइड प्लेट, छोटी सी प्लेट में होती है या उसमें भी है, देन अकॉर्डिंगली फिर आपको यू विल हैव टू टेक अवे दिस कप एंड स्पून असाइड, और ये चीज आपको गेस्ट के राइट हैंड साइड पे रख देना है फेसिंग उसका इस तरफ. एंड अब आपने इसको चाय का, अब देखो आई हैव टू बैलेंस, मैं अपने पिछ चलेगा अपने, यानी कि वहीं पे कर रहा हूँ, कई बार चाय गेस्ट के ऊपर भी गिर सकती है, कई बार एक्सीडेंट हो गया, कई बार आगे पीछे होगी, तो इट कैन फॉल ऑन द गेस्ट ऑल्सो एंड इट कैन कॉज अ लिटिल बिगर प्रॉब्लम हो सकती है उसमें. तो आप इसको साइड में करेंगे और अकॉर्डिंगली आप इसको सर्व करेंगे. जब यहाँ पे काम खत्म हो गया, उठाया डाला, और ये इसकी ज्यादा अननेसेसरी मूवमेंट करने की जरूरत भी नहीं है, ये नहीं कि इतने पीछे कर दिया कि वहां से कोई बंदा आ रहा है उसे टकरा के ऑलरेडी डाउन. तो द बेस्ट वे टू यू नो होल्ड द साल्वर इज टू हैव दैट सिप. अगर मेरे पास साल्वर का लोड हैवी है, इफ आई एम हैविंग अ हैवी लोड ऑन माय साल्वर एंड आई एम नॉट एबल टू हैंडल इट, तो देयर इज अदर टेक्निक, दूसरी टेक्निक भी है इसके लिए. दूसरी टेक्निक क्या है, हमारी कि आप साल्वर उठाइए, अब आप इसको अपनी बॉडी के क्लोज ले आइए. नाउ ब्रिंग दिस पर्टिकुलर साल्वर टुवर्ड्स योर बॉडी एंड होल्ड इट विद योर सेकंड हैंड, उसको सेकंड हैंड से पकड़ लीजिए बेस्ट. अगर आप यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट विद वन पर्टिकुलर हैंड, आप उसको बॉडी के क्लोज ले आइए एंड चलिए. इजी है, सिंपल चीज है, इससे ज्यादा कोई और बेस्ट तरीका है ही नहीं साल्वर को कैरी करने का, कि अगर आपके पास लोड ज्यादा है आप इसको इस तरह से पकड़ सकते हैं, सिंपल तरीका एंड स्लोली. अगर इस फिर भी इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल तो छोड़ दीजिए भाई, आप समवन टू डू इट फॉर यू, बिकॉज अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे बजाय कि एक्सीडेंट हो जाए, गिर जाए, नहीं चलेगा, ठीक है. तो दो तीन चीजें क्लियर हुई. पहली चीज साल्वर जो हम कैरी करते हैं तो अपने जो पाम है उसको एट द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर साल्वर रखते हैं नीचे बेस में, उस बेस से ठीक है, जो भी हम साल्वर के ऊपर स्टफ रखेंगे हैवी स्टफ दैट हैज टू बी एट द सेंटर एंड इट हैज टू बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, बैक वेट जो है आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना है. तीसरी चीज आप साल्वर हमेशा राइट हैंड साइड से पकड़े, अपने लेफ्ट हैंड साइड से पकड़ेंगे ठीक है. चौथी चीज, जब भी आप साल्वर कैरी करके रेस्टोरेंट में मूव करेंगे तो यू विल ट्राई टू टेक अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा सा छोटा डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप उसको टाइम से और विदाउट एनी एक्सीडेंट उससे पहुंचा सके. पांचवी चीज, अगर आपके पास साल्वर हैवी है, अगर आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं तो लीव इट, किसी और को बोलिए उठाने को ठीक है, बट फॉर यू गाइज यू हैव टू प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस आप इसको जितने प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज द रीजन कि मैं आपके लिए ब्रिक्स लेके आया था कि आप इवन होल्ड द पेन, उसको पकड़ ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी जो रिस्ट है ना, ये चीज ये जब ऐसे दबती है तो यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है आपका. सम टाइम्स यू गेट अ बैक एक, आप गलत तरीके से साल उठाते हैं आपके बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, आपके हाथ दुखने शुरू होते हैं, क्योंकि आपने अपनी अपना जो साल्वर पे जो वेट था वो अपनी बॉडी पे इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, आपको उसको नहीं लेके आपने स्पाइन पे ज्यादा जोर डाल दिया या जिस तरीके से बेंड हुए या ऐसे उठा लिया, आपकी नर्व क्रैक हो गई, कुछ हो गया, तो एक्सीडेंट्स होते हैं. दिस इज द स्मॉल साल्वर, यहाँ पे यू हैव अ बिग साल्वर फॉर क्लियरेंस ऑल्सो. जो बड़ी बड़ी अमेरिकन साल्वर होती है राउंड अपने स्फेरिकल शेप में होती है, इससे आप लेके चलिए, इतनी बड़ी बड़ी साल्वर होती है. एंड दैट उसके लिए यू हैव अ ट्रे जैक, साल्वर ट्रेस कहते हैं, साल्वर्स कह लीजिए, तो उसके लिए आप उसको जब उठाते हैं
तो उसके लिए भी यू हैव अ टेक्निक। जब उसको उठाते तो कम से कम उसमें 25-30 किलो का भार होता है क्लियरेंस। तो उसको जब आप लेके जाते हैं बैक एरिया में डिशवॉश में, तो उसको उठाने का भी तरीका है। तो यू गाइस हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप कभी ट्रेनिंग पे भी काम करें तो आपका जो वेट है हमेशा जब भी आप उठाएंगे साल्वर आपकी चेस्ट ऑलमोस्ट उस तक होनी चाहिए। जब उठाएंगे आपका बेंड हुए और उसको इजीली कैरी कर लीजिए, स्टैंड स्ट्रेट हाथ पीछे चलते रहिए, हल्का सा भी झुके रहेंगे आपका इस तरह से हो गया या हल्का सा ऐसे हो गया पेविस तो चला गया बिल्ट हो गया आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपको पेन शुरू हो जाएगा, देन यू हैव टू टेक अ रेस्ट। ठीक है, नाउ आई वांट यू गाइस टू कम वन बाय वन एंड प्रैक्टिस अकॉर्डिंगली, एक एक करके आएंगे। आई गिव यू ब्रिक, ठीक है, आपको मैं एक ब्रिक दूंगा स्पेशली फॉर गर्ल्स, पकड़िए उसको जरा। अब नाउ यू हैव टू मेंटेन द वेट, हाथ पीछे रखिए, बैठ रखिए। हाँ, लेट्स सपोज आपका कम से कम यू हैव अ लोड ऑफ 20 केजी, आपका कम से कम भी 4 to 5 ग्लासेस का लोड है फिल, ठीक है। अब इसको नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, यू हैव टू सी कि आपके यहाँ पे विल स्टार्ट पेन। अब आपका बैलेंस जो है जब आप मूव करिए थोड़ा सा, हाँ नजर आगे, हाँ चलेंगे, ठीक है वापस आएंगे, ठीक है। अब एक काम करके देखिए, मेरे को यहाँ पे रख के दिखाइए आप जरा इसको, इसको इसको रख के दिखाइए, हाँ एक पैर बाहर हाथ पकड़ लीजिए दूसरा, जब मैं इसको पकड़ रखी है मैंने, अब दबो, अब नाउ सी मैंने इसको पकड़ा हुआ है, अब आई हैव टू कीप इट बैक। लेट्स सपोज दीज आर ग्लासेस फिल्ड ऑफ एनीथिंग जूसेस मॉकटेल्स कुछ भी है, अब अगेन आई हैव टू कीप माय फर्स्ट स्टेप आउट, देन हल्का से इसको यहां से पकड़ा, ये बाजू मेरी वैसी भी, एंड उठाने के लिए भी झुकना पड़ेगा आपको हल्का सा। अगर आपके पास लोड ज्यादा लग रहा है ऐसे नहीं पकड़ पा रहे तो उसको ऐसे कर लीजिए, चलिए इवनली डिस्ट्रीब्यूट करिए। बैंकवर्ड्स में आपने ओडिसी में किया होगा, ओडिसी में क्या होता है आप स्नैक्स प्लेटर यूजुअली घूमते हैं, सिंपल सी चीज है, वहां पे स्नैक्स प्लेटर आपके ऐसे होते हैं सर स्नैक्स, ठीक है। बट जब बेवरेजेस के लिए उठाते हैं तो आपके यू हैव अ डिकैंटर्स, यू हैव ड्रिंक्स, यू हैव सोडा वाटर सब कुछ होता है उसके अंदर, आइस होती है, तो आपको इजीली कैरी करना पड़ता है। लेना पकड़िए बैलेंस आपका सेंटर पे, हाथ पीछे मूव करिए, वापस रखिए इधर, ये आपने अपने इस चीज से यूज किया, इसको आपको इस हाथ से पुश करना है, ठीक है। अनुज जरा अब नाउ लेट्स सपोज यू आर कैरिंग अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 or 6 बियर बॉटल्स, 650 ml बॉटल्स, नाउ इसको उठाइए, हाँ गुड, कोई बात नहीं। नाउ आपका अगर देखिए इट इज ठीक है, सेंटर में रखा आपने, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस पर्टिकुलर वेट तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देयर आर फ्यू पीपल जो क्या करते हैं, ध्यान देखिए इधर, देयर आर फ्यू पीपल जो कि व्हाइल कैरिंग द साल्वर वो अगर वेट इज लिटिल हैवी आप क्या करते हैं वो ऐसे पकड़ लेते हैं इस तरह से, बट आई वुड रिकमेंड कि ऐसे ना पकड़ के आप उसको इस तरह पकड़िए और कीप देम विद दिस थिंग, इसको पकड़ लीजिए, चलिए डजंट मैटर, ये तो आएगा कि 10 मिनट का रास्ता है, यू वोंट बी एबल टू हैंडल, बट देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज जो बड़े बड़े पैलेसेस हैं, जो बड़े बड़े जो आपके जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज हैं, अगर राजस्थान की बात करूं तो वहां पे रेस्टोरेंट्स के से लेके आपके गेस्ट के एरिया तक यू हैव टू वॉक, देखा होगा आपने बड़े बड़े जो राजमहल होते हैं जो बड़े बड़े हेरिटेज साइट्स हैं अपनी, तो वहां पे
यू हैव बड़ी बड़ी सॉल्वर्स, उनका वेट इतना होता है कि ऊपर खाना भी रखा होता है, देन अकॉर्डिंगली आपको ले जाना पड़ता है. देयर आर ट्रॉलीज आल्सो, बट फ्यू ऑफ देम यू हैव टू कैरी देम इन सॉल्वर. तो इसका बेस्ट वे अगेन, अब इतना बड़ा लोड उठाना है तो अकॉर्डिंगली. अब मेरा हाथ अपने आप ही ये टिल्ट हो गया. अब इसको आप पकड़ के रखिए. व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, हमें भी ट्रेनिंग इसी चीज की दी जाती थी कि आपको ब्रिक्स, दो या तीन ब्रिक्स, ये तो बड़ी ब्रिक होगी, दो या तीन ब्रिक्स लेके आपको यू हैव टू टेक अ राउंड ऑफ योर कॉलेज, पौड़ियां आप डन करो, सो दैट यू हैव प्रैक्टिस. बिकॉज जितनी बार आप इसको पकड़ के जाएंगे आपके हाथ में यहाँ पे यू विल फील, स्टार्ट फीलिंग द पेन, और बाद में क्या होगा, स्लोली स्लोली यू विल हैव अ हैबिट और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, डन. Let's see whether you are able to handle. उठाइए जरा इसको, कैसे कैसे पिक करेंगे. I don't know, जैसे मर्जी आपको, जो किस जो भी हाथ से उठाना चाहते हो उठाइए. वैसे तो लेफ्ट हैंड से उठाते हैं, बट आप जो भी आपका हैंड है. हाँ ठीक है, अब इसको थोड़ी देर रख के रखिए, एक राउंड लीजिए, बोल नजरे आगे. अब क्या है कि हैवी आपकी जो है, वापस रखिए इसके ऊपर, कैसे रखेंगे. So, I hope you have understood. ठीक है जी. So this was all about carrying salvers. And there's one more technique. इसको I'll give you a little later because I have थोड़ा और समय है मेरे पास. तो उसमें क्या करूँगा, now I take every glass. I'll take every glass here onto my salvers. क्योंकि now this was only brick. एक तो छोटा brick थी. गिर भी गई क्या दिक्कत होगी, कुछ नहीं होगा. बट वाइल यू आर कैरिंग फ्यू थिंग्स, उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली द ग्लासवेयर. ग्लासवेयर में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी ग्लासेस आप यूज करेंगे, ग्लासेस कभी भी उसके उससे ऊपर से नहीं पकड़ते, उसके लिए वहाँ पर बेस, उसके रिम से नहीं पकड़ेंगे, दैट इज बैड थिंग. अब राइट नाउ आई हैव 3, 3, 6, 3, 9, 12 ग्लासेस विद मी. अब 12 ग्लासेस को आई नीड टू प्लेस देम इन माय साल्वर. ठीक है, ऑल्दो इनका वेट इतना नहीं होगा, बट दे आर सो डेलिकेट, हल्का सा भी इम्बैलेंस हुआ एवरीथिंग इज गोइंग टू फॉल. और इसकी ब्रेकेज और इसका कॉस्ट, इसके अंदर जो जो आपका लिक्विड होगा समटाइम, या बोले बेवरेज होगा, उसकी कॉस्ट जुड़ के, एंड यू विल हैव टू ब्रिंग दोस ड्रिंक्स अगेन फ्रॉम द रेस्टोरेंट बार जहाँ से. तो यहाँ पे टाइम का भी वेस्ट है, गेस्ट का ऑर्डर डिले हो गया, आपका कॉस्ट बेकार, इसकी आपका ग्लासेस टूट गए, यू विल गेट लिटिल स्कोल्डिंग्स ऑल्सो. तो वो डिपेंड करता है कि कैरी कैसे करना है. अब मैं देखूंगा यहाँ पे मैचिंग मैचिंग, और ये ध्यान रखना जो सबसे टॉल ग्लास होते हैं उनको हम ट्राई टू कीप देम इन सेंटर. बिकॉज क्या है, कभी भी ग्लासेस आप रखेंगे अंदर, सबसे पहले आप सेंटर में रखने की कोशिश करिए. आपस में यू विल नेवर टच टू ग्लासेस, चाहे उसका बेस है चाहे उसका रिम है, आपस में टच कभी नहीं होंगे. देन अकॉर्डिंगली आप देखिए, you will always try to maintain distance. अब साल्वर जब भी हम ग्लासेस रखें, मेरी पोजीशन अपने आप ही चेंज हो रही है, कभी मैं साल्वर बाहर कर रहा हूं, कभी अंदर कर रहा हूं, एंड अकॉर्डिंगली मेरा हाथ भी अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है. अब मेरे पास यहां स्पेस बचा है, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रॉपरली डू इट, इसको हल्का सा ट्विस्ट कर लीजिए, एंड देन ब्रिंग इट लाइक हियर, देन keep these glasses here, इसको position कर लीजिए. Now ये आपस में touch हो गए, bring them back, keep them side, keep it in center. Now अभी मेरे को I have a one particular glass space left here. अब मैं यहाँ रखूँगा,
इट इज नॉट एबल नॉट डूइंग गुड फॉर मी, तो इसको मैं उठा के आई ट्राई टू अकॉर्डिंगली मैनेज कर लूंगा. नहीं जस्ट अ सेकंड. हल्का सा दिस ग्लास इज टचिंग दिस थिंग, तो इसको आई हैव टू सी. अब जब भी मैं चलूंगा, नाउ आई एम हियरिंग अ वन पर्टिकुलर साउंड, वो साउंड नहीं आने चाहिए. नाउ इट्स ओके, कोई भी ग्लास आपको टच नहीं कर रहा है एंड यू हैव अ ऑल ग्लासेस कंबाइंड. अब जब भी इसको आप चलेंगे लेके चलेंगे तो आपका अगेन पोजिशनिंग जो है ग्लासेस की वो नहीं होनी, ठीक से होनी चाहिए. तो ये देखा सर, अब इन ग्लासेस को रखूंगा जब वापस में बैठता हूं उठाऊंगा तो दिस इज हाउ यू कैरी द साल्वर एंड द स्टफ ऑन टू द साल्वर. आई होप इट इज क्लियर. चलिए नाउ आई वॉन्ट यू टू प्रैक्टिस वन बाय वन टू दिस वीडियो, ठीक है.